भीख मंग के अमीर हो गई कुड़ी। खरीदे दो घर ते हुण घूमदी है फ्लाइटा च। देखें सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। तुहाडे नाल भी अक्सर अजिहा होया होवेगा कि जदों भी तुसी किसी पब्लिक प्लेस ते जांदे हो या फिर किसी लाइट दे उत्ते खड़े हो जांदे हो ते भिखारी तुहाडे कोल भीख मंगन लग पैंदे सन। अजिहे हालात विच लोक उहनां नूं गरीब अते बेसहारा समझ के दान दिंदे ने। शायद ही अजिहा कदे किसी ने जानन की कोशिश की होवे कि दूजे व्यक्ति की हालात सचमुच खराब है या वह सानू मूर्ख बना रहा। अजिहा असीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लड़की ने लोगों की इस सिंपति का बहुत फायदा उठाया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया उत्ते काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिस दे विच एक इंटरव्यूअर वालों उसका इंटरव्यू किया जा रहा है तो ये लड़की जो आ पूरे तरीके दे नाल सजी हुई बैठी हुई है, चंगे घर की लग रही है, पर इस दे वालों जो खुलासा किया जाता है कि इस दे वालों जो आ कि भीख मंगी जाती सी तो भीख मंग के इस दे वालों बहुत सारा पैसा कमाया गया। लड़की ने मनिया कि वह अपनी पछाण छुपाना नहीं चाहती अते सच बोल रही है क्योंकि इसनों लुकाया नहीं जा सकता। वह खुशी नाल यह दस रही है कि वह लोगों नूं झूठियां कहानियां सुना के पैसे मंगती सी अते लोग उसनूं बिना किसी जांच पड़ताल दे पैसे भी दे देंदे सन। सो यह वीडियो जो सी सोशल मीडिया उत्ते वायरल हो रही सी जिस दे विच समझ आ रहा सच सामने आ रहा भी किस तरीके दे नाल कई लोग झूठियां कहानियां बना के लोगों के कोलों पैसे ठगते ने। दो फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। देखें सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज़्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए, ना बीना बनकर हाथ में किताब पकड़ कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, बस इस तरह की कहानियाँ बतानी। समनाबाद हो गया और जिस तरह DHA का इशारा, बरकत मार्केट, जो जहाँ पे ज़्यादा सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं ना, वो लोग तो जाहिर है इस चीज़ को करते नहीं कि वो पूछें कि आप कहाँ से हैं, क्या आपकी स्टोरी है, वो तो ऐसे ही पकड़ा देते हैं, उनके लिए क्या बात। दो फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। देखें सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज़्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए, ना बीना बनकर हाथ में किताब पकड़ कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, बस इस तरह की कहानियाँ बतानी। समनाबाद हो गया और जिस तरह DHA का इशारा, बरकत मार्केट, जो जहाँ पे ज़्यादा सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं ना, वो लोग तो जाहिर है इस चीज़ को करते नहीं कि वो पूछें कि आप कहाँ से हैं, क्या आपकी स्टोरी है, वो तो ऐसे ही पकड़ा देते हैं, उनके लिए क्या बात।